ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू विंग्स फोटो एडिटिंग, जो कि आप सभी ने देखा होगा गाइस अभी जिगर वांद्रा वाले ने अपलोड करी है। तो आज की वीडियो में आप सभी सिखाने वाला हूँ कि गाइस आप लोग कैसे इस टाइप की फोटोज एडिट कर सकते हो। तो चलिए गाइस आज की जो वीडियो है हम इस बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को जो है पिक्सआर्ट ऐप में आपको इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। एंड गाइस इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, यानी कि आपको मेरे टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, फिर आपको ऐड फोटो में जाकर आपको यहाँ पे जो है अपने मॉडल को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने कहा यहाँ पे बैकग्राउंड पे वगैरह सब कुछ रिमूव कर रखा है, तो आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग जाके देख सकते हो, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, इसलिए आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो अब गाइस देखिए इरेजर टूल में जाकर मैं जो है थोड़ा सा इसमें जो पार्ट्स हैं जो कुछ इरेज करूँगा, क्योंकि ये जो है मैं डायरेक्ट यहाँ पे रूट से जो इसको मर्ज करूँगा गाइस। ठीक है, तो अब जो मैं फटाफट करता हूँ फिर बताता हूँ आपको आगे करना है। ओके गाइस सोचते हो जाने के बाद हम ऐड फोटो में जाएंगे, फोटो में जाने को यहाँ से ऐड करेंगे विंग्स का पीएनजी। ठीक है, अब इसको हम जो है यहाँ पे अपने हिसाब से जो इसको मर्ज कर लेंगे यहाँ पे अपने मॉडल के पीछे। तो मैं इसको कर लेता हूँ, तो गाइस इसको जो मैं सिंपली मूव डाउन कर दूँगा ताकि जो बैक में जो हम बैक में लगाना था, ताकि हमें जो रिमूव वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट हम इसको पीछे लगा देंगे। तो यहाँ तक हमारा इतना काम हो चुका है। तो गाइस अब देखिए इसके बाद जो है यहाँ पे हमारा मतलब मॉडल जो है लग चुका है, तो आप क्या करेंगे हम इसे मॉडल का डुप्लीकेट करेंगे। एंड इसको डुप्लीकेट करने के बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ से सिंपली इफेक्ट वाले ऑप्शन में, इफेक्ट्स में नहीं टूल्स में से जाके गाइस एडजस्ट में जाएंगे, एडजस्ट में जाकर इसका जो ब्राइटनेस है बिल्कुल माइनस कर देंगे गाइस। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से हम जो इसको डन करेंगे एंड इरेजर टूल में जाएंगे। एंड इरेजर टूल में जाने के बाद क्या करेंगे, जो यहाँ से जो है हम पहले तो उसको क्या करते हैं, एक काम करते हैं पहले इसको पूरा रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अब मतलब क्या रिमूव में तो नहीं मेरे को इतना खास नहीं लगा, उस पहले मैं अंडो करते हैं टाइज। ठीक है, तो यहाँ पे इरेजर लेते हैं एंड इसको जो ऊपर का पार्ट इरेज कर देते हैं, नीचे का छोड़ देंगे ताकि नीचे जो है डार्कनेस बनी रहे। ठीक है, तो यहाँ परफेक्ट है। अब गाइस देखिए यहाँ पे इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो यहाँ पे हम फोटो को सिंपली यहाँ पे डन कर लेंगे गाइस। ठीक है, तो अब इसको जाएंगे ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से हम ऐड करेंगे ये येलो कलर की एक लाइट। ठीक है, अब इसका जो हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देंगे, फोटो को जूम करेंगे, लाइट के पास लगाएंगे एंड थोड़ा हम बैकग्राउंड में भी लगाएंगे। तो इस काम को मैं फटाफट करता हूँ। तो कहा जहाँ तक हमारा काम हो चुका है, अब हम जो इसको सेव कर लेंगे, इसको लेकर चलेंगे हम लाइट रूम में, क्योंकि इसको वहाँ पे रिटच करके और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनानी है। तो लाइट्स में जाएंगे, लाइट्स में जाने के बाद हम पहले इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा के जो हाईलाइट्स हैं इसको भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे। फिर इसका क्या करेंगे, इसका जो शेडो है इसको हम थोड़ा सा जो है माइनस की तरफ रख लेंगे हल्का सा, एंड जहाँ पे ब्लैक्स इसको कम कर देंगे एंड जो वाइट्स है इसको बढ़ा देंगे। फिर जाएंगे कलर्स में, कलर्स में जाने के इसका वाइब्रेशन बढ़ा देंगे और फिर जो है टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देंगे। फिर जाएंगे मिक्स में, ऑरेंज कलर लेंगे, इसका ल्यूमिनस बढ़ा देंगे अपने फोटो के अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे ये ब्लू कलर लेंगे, इसका सैचुरेशन माइनस कर देंगे गाइस। ठीक है, मतलब ब्लू कलर हमें चाहिए ही। तो बाकी यहाँ से जाएंगे सिलेक्टिव टूल में, प्लस पे क्लिक करेंगे और ये लीनियर ग्रेडियंट लेंगे एंड इसको नीचे से इस तरीके से ले आएंगे। फिर यहाँ से एक्सपोजर में जाएंगे एंड एक्सपोजर को कम कर देंगे यहाँ पे, ताकि नीचे जो डार्कनेस बनी रहे। परफेक्ट है, अगर डन कर देंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये बिफोर एंड आफ्टर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे कलर्स में, फिर कलर्स में जाके हम जो है ये ब्लू कलर जो है हल्का सा थोड़ा सैचुरेशन जो है ना उसको थोड़ा कम कर लेंगे यार। ठीक है, एकदम बिल्कुल हमें डार्क नहीं चाहिए। और जो येलो कलर है इसका जो ह्यू है माइनस कर देंगे, ल्यूमिनस बढ़ा देंगे एंड सैचुरेशन भी, एंड यहाँ से डन। फिर चलेंगे यहाँ से नीचे वाले टूल में, फोटो की क्लियरिटी बढ़ा देंगे एंड फिर क्या करेंगे विग्नेट को माइनस कर देंगे। और फिर यहाँ से गाइस देखिए यहाँ पे फाइनली फोटो एडिट हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कीप लविंग, कीप शूटिंग, गुड बाय।